बताएं बलाएं, मैं बताऊंगा। स्पीकर सर, वन सेकंड, स्पीकर सर मैं आपको बताता हूँ, जो 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 मुझे मालूम है स्पीकर सर, मैं आपको बताता हूँ। बैठिए स्पीकर सर। हुआ क्या वहां पे सर, मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के, उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है। और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज प्लीज, नो प्लीज प्लीज, एक मिनट एक मिनट प्लीज। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन होता है। नंबर एक, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। हाँ, और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं था। कोई नहीं, बट सर प्लीज नो, माने सर हीरोइन आके बाइट दे रही है सर। सर आप मत बोलिए, आपके नेता बोल रहे हैं। तो स्पीकर सर, ये आपको बेटे बेटे कौन सी करने का अधिकार है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि लोग क्यों कमेंट्री कर रहे हैं। सर हम चाहते थे, हम हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इस बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान है जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहाँ इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूँ कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। स्पीकर सर, जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को, अच्छी बात बोलो, आप बैठे बैठे चुप्पी, आप मत करो, आप करो तो वो भी करेंगे, आप मत करो, मैं सब साइलेंट करो प्लीज। फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माने सर। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली भजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई, धर 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15-20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है, मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो, एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं,
हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा, मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। सिर्फ अदानी और अंबानी, अरे क्या सर, सर मैं सर कैसे बोलूं सर, माननीय सदस्य एक मिनट, माननीय सदस्यगण आपके एक मिनट, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें, वो लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप, सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूँ उनको, 3 और 4 ठीक है सर। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर, 3 और 4 कह देता हूँ, कोई और आपके माननीय सदस्य को बता दे क्यों लिख के चिट्ठी गए गए मुझे। सर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी, एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के आज उन पर जब आपको ये कर गए आपको अलाउ किया गया चिट्ठी मुझे लिख के गए उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है, आपसे आप सदन एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर इसलिए आप जो विषय रखे वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर, सर मगर मैं ये कैसे कहूं इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर, आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। सर हाउ कैन पीएम इज स्पीकिंग, होम मिनिस्टर स्पीकिंग, यू आर नॉट टेलिंग दिस, यू आर ओनली एडवाइसिंग एलओपी सर, हाउ कैन इट बी, हाउ कैन इट बी सर, तो सबसे ही अपेक्षा। आप बैठ जाइए, आप किसने कहा प्लीज बैठिए, पाइप ऑफ ऑर्डर जानते हो पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, प्लीज बैठो, तुम्हारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज। स्पीकर सर एक मिनट प्लीज बैठिए। एक स्पीकर सर, सर ये जो लोग, ये दो जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है, तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं, इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर, हमें तो बोलना है। अब आपको आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको
संसदीय कार्य मंत्री जी, प्लीज प्लीज, नो नो, आई एम नॉट गिविंग, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट।